हेलो बच्चों आज मैं आपको कराऊंगी चैप्टर फ़ोर बेसिक ज्योमेट्रिकल आइडियाज़ फर्स्ट हम इस चैप्टर की इंट्रोडक्शन करेंगे चैप्टर का नाम है बेसिक ज्योमेट्रिकल आइडियाज़ यानी कि इसके अंदर हम बेसिक्स करेंगे जो कि हमारी ज्योमेट्री के मेन मेन आइडियाज़ इंक्लूड होंगे इसके अंदर तो ये हमारे ऐसा नहीं है कि इसी क्लास में काम आएंगे ये हमारे हायर क्लासेस में भी काम आएंगे तो आपको इसको बिल्कुल ध्यान से पढ़ना है और साथ के साथ इसको रिवाइज भी करना है तो आज हम करेंगे इस चैप्टर की इंट्रोडक्शन ज्योमेट्री हैज़ ए लॉन्ग एंड रिच हिस्ट्री ज्योमेट्री की बहुत ही लंबी और रिच हिस्ट्री है द टर्म ज्योमेट्री इज़ द इंग्लिश इक्वलेंट ऑफ द ग्रीक वर्ड जियोमेट्रॉन जो टर्म ज्योमेट्री है ये एक ग्रीक वर्ड है जियोमेट्रॉन उसका इक्विलेंट है जियो मीन्स अर्थ जियो का मतलब होता है अर्थ मेट्रोन मीन्स मेजरमेंट मेट्रोन का मीनिंग है मेजरमेंट करना नापना अकॉर्डिंग टू हिस्टोरियंस द जोमेट्रिकल आइडिया शेप्ड अप इन एंशियंट टाइम्स प्रोबेबली ड्यू टू नीड इन आर्ट आर्किटेक्चर एंड मेजरमेंट हिस्टोरियंस जो इतिहासकार हैं उनके हिसाब से क्या कहा जाता है जो जोमेट्रिकल आइडियाज हैं वे पुराने टाइम में चले थे शुरू हुए थे क्यों शुरू हुए थे क्योंकि इनकी आर्ट में कला में आर्किटेक्चर जो निर्माण कार्य होते हैं और मेजरमेंट जब किसी चीज़ को मापना होता है तो इनमें इनकी नीड होती है इसी वजह से एंशियन टाइम में जोमेट्रिकल आइडियाज़ शुरू हो गए थे दीज इंक्लूड ओकेजनस वैन द बाउंड्रीज ऑफ द कल्टिवेटेड लैंड हैड टू बी मार्क्ड विदाउट गिविंग रूम फॉर कंप्लेंट्स इसके अलावा आर्ट आर्किटेक्चर और मेज़रमेंट के अलावा जब कि, किसी कल्टीवेटेड लैंड जो खेती की ज़मीन होती है उसकी हमें बाउंड्रीज बतानी होती हैं तो भी हमें मेज़रमेंट करनी होती है जोमेट्रिकल आइडियाज़ उसमें काम करते हैं कंस्ट्रक्शन ऑफ मैग्नीफिशेंट पैलेसेस टेम्पल्स लेक्स डैम्स सिटीज़ आर्ट एंड आर्किटेक्चर प्रॉप्ड ऑफ दीज आइडियाज़ इन चीज़ों की वजह से जैसे मैग्नीफिशेंट मै मैग्नीफिशेंट होता है बड़े बड़े जैसे और पहले से जो होता है महल टेम्पल जैसे मंदिर है लेक है डैम बांध सिटी शहर बनाए गए आर्ट एंड आर्किटेक्चर इन सब की वजह से क्या हुआ ये जो ज्योमेट्रिकल आइडियाज़ थे ये और ज़्यादा डेवलप हुए इवन टूडे ज्योमेट्रिकल आइडियाज़ आर रिफ्लेक्टेड इन ऑल फॉर्म्स ऑफ द आर्ट आज भी ज्योमेट्रिकल आइडियाज़ जो भी कला होती है उसके अंदर हमें दिखाई देते हैं मेज़रमेंट आर्किटेक्चर इंजीनियरिंग एंड क्लोथ डिज़ाइनिंग ये जितनी भी चीज़ें हैं इन सब के अंदर जोमेट्रिकल आइडियाज़ का काम होता है वर्क करते हैं वे यू ऑब्जर्व एंड यूज डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स लाइक बॉक्सिस टेबल्स बुक्स टिफ़िन बॉक्स यू कैरी टू योर स्कूल फॉर लंच द बॉल विद यू प्ले एंड सो आप तरह तरह की चीज़ें यूज करते हैं जैसे बॉक्स है टेबल है बुक टिफ़िन बॉक्स जो आप स्कूल में लेके जाते हैं लंच का बॉल जिससे आप खेलते हैं इस तरह के सारे ऑब्जेक्ट्स हैं इन सभी ऑब्जेक्ट्स में ज्योमेट्रिकल आइडियाज़ वर्क करते हैं ऑल सच ऑब्जेक्ट्स आर डिफरेंट शेप्स इन जो मैंने अभी अभी ऑब्जेक्ट्स बताए इनकी सबकी अलग अलग शेप है द रूलर विच यू यूज़ द पेंसिल विच यू यूज़ राइट आर स्ट्रेट जो आप पेंसिल यूज़ करते हैं जिससे आप लिखते हैं रूलर यूज़ करते हैं स्केल होता है जो वो सब उनकी क्या है वे उन वे स्ट्रेट होते हैं द पिक्चर्स ऑफ ए बैंगल द वन रूपी कॉयन और ए बॉल एपियर राउंड ये हमारे स्ट्रेट थे पेन पेंसिल रूलर लेकिन जो बैंगल है चूड़ी होती है वन रूपी कॉइन होता है जो बॉल होती है वह हमें राउंड दिखाई देते हैं हेयर यू विल लर्न सम इंटरेस्टिंग फैक्ट्स दैट विल हेल्प यू नो मोर अबाउट द शेप्स अराउंड यू अब हम यहाँ पर कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स करेंगे जिससे आपको हेल्प मिलेगी जो अपने आपके आसपास की चीजें हैं उनकी शेप उनकी आकृति को समझने में सबसे पहले करेंगे हम पॉइंट्स तो व्हाट आर द पॉइंट्स बाय ए शार्प टिप ऑफ द पेंसिल के डॉट ऑन द पेपर शार्पर द टिप थीनर विल बी द डॉट दिस ऑलमोस्ट इनविजिबली टाइनी डॉट विल गिव यू एन आइडिया ऑफ ए पॉइंट अगर आप पेंसिल को शार्प करते हैं जैसे आपकी न्यू पेंसिल है उसको शार्प करते हैं और उससे कोई डॉट लगाते हैं पेपर -पे -पे पेपर के ऊपर जैसे मैंने ये डॉट लगा दी पेपर के ऊपर ठीक है जित जब शुरू में हम पेंसिल को शार्प करते हैं तो उसकी जो निप होती है वो बिल्कुल पतली होती है तो जितनी शार्प होगी टिप उतना ही ज़्यादा डॉट है उथीन हो जाएगा उतना ज़्यादा पतला हो जाएगा और ये हमें बिल्कुल छोटी सी डॉट के रूप में दिखाई देगा ये इनविजिबल होगा मतलब हमें क्लियर नहीं दिखाई देगा धुंधला सा दिखाई देगा ये हमें एक पॉइंट का आइडिया देता है देखो मैंने ये पॉइंट बनाया है ये हमें एक पॉइंट का आइडिया देता है ठीक है पॉइंट डिटरमिन लोकेशन जो पॉइंट होता है वो बताता है कि कोई चीज़ कहाँ है देर आर सम मॉडल्स फॉर ए पॉइंट हमारे पास कुछ मॉडल्स हैं पॉइंट्स के जैसे ये टिप है कंपास की यहाँ पे हमने कंपास की जो टिप है उससे यहाँ पे मार्क लगाया है ये शार्पन एंड ऑफ ए पेंसिल है जो बिल्कुल हमने पेंसिल अभी अभी छील ली है उसकी टिप से हमने मार्क लगाया है ये है हमारी pointed end needle, जो हमारी needle है जो उसका जो जो होता होता है है के दो होते हैं एक एक तरफ तरफ आएगा और दूसरी तरफ जो बिल्कुल pointed end होता है, उससे हमने यहाँ पे लगाया ये हमारे मॉडल्स हो गए तीन इफ यू मार्क थ्री पॉइंट ऑन ए पेपर यू वुड बी रिक्वायर टू डिस्टिंग आर डिनोटेड बाई ए सिंगल कैपिटल लेटर लाइक ए बी एंड सी जैसे हमने ये तीन पॉइंट्स लगाए अगर हमने इनको डिफ्रेंशिएट करना है तो हम इनको पॉइंट्स दे देंगे ए बी और सी दिस विल बी रेड एस पॉइंट ए पॉइंट बी एंड पॉइंट सी ऑफ कोर्स द डॉट्स हैव टू बी इनविजिबली थिन, लेकिन जो डॉट्स हैं वो बहुत ही पतली हैं ट्राई दिस विद ए शार्प टिपो पेंसिल मार्क फोर पॉइंट्स ऑन ए पेपर एंड नेम दे बाई द लेटर्स ए सी पी एच ट्राई टू नेम दिस पॉइंट्स इन डिफरेंट वेज वन सच वे कुड बी दिस हमने क्या करना है पेंसिल की शार्प टिप से हमने फोर पॉइंट्स लगाने हैं ये मैंने पॉइंट्स लगा दिए हैं ए सी पी एच ये हमने एक, एक जो वे है उससे लगाए हैं आप इसको किसी और वे से भी लगा सकते हैं जैसे मैं आपको ये पॉइंट्स लगा रही हूँ तो ठीक है तो आप इसको ए सी पी एच इस तरीके से लगा सकते हैं आप इनको आगे पीछे कर कर के अलग अलग तरीके से इनको लगा सकते हैं सेकंड है ट्राई दीज में स्टार इन द स्काई आल्सो गिव्स अस एन आइडिया ऑफ ए पॉइंट अगर हम रात को स्काई के अंदर देखते हैं वहाँ पे हमें स्टार दिखाई देता है वो भी हमें क्या देता है पॉइंट का आइडिया देता है आइडेंटिफाई एटलीस्ट फाइव सिचुएशंस इन योर डेली लाइफ आपको ऐसी डेली लाइफ में जो सिचुएशंस होती हैं उनको आइडेंटिफाई करना है आप इसमें पेन की टिप लगा सकते हैं टिप ऑफ ए पेन टिप ऑफ ए पेन सेकंड हो जाएगी टिप ऑफ ए पेंसिल आप लगा सकते हैं पॉइंटेड एंड ऑफ ए नीडल और यहाँ पे टिप ऑफ ए कंपस टिप ऑफ ए कंपस टिप ऑफ ए डिवाइडर डिवाइडर कंपस जैसा ही होता है वो दोनों साइड सेम होता है कंपस में सिर्फ एक साइड पेंसिल डलती है और एक साइड से पॉइंटेड टिप होती है ये तो हो गया हमारा लाइन के बारे में पॉइंट्स के ये तो हो गया हमारा पॉइंट के बारे में अब हम करेंगे लाइन सेगमेंट तो क्या होती है लाइन सेगमेंट जब हमें पॉइंट लाइन सेगमेंट लाइन रे इन सब के बारे में अच्छे से पता होगा तो हम आगे जो हमारे ज्योमेट्री से रिलेटेड क्वेश्चंस आएंगे तो हम उनको क्लियरली कर पाएंगे इसलिए आपको इनको बिल्कुल ध्यान से पढ़ना है तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको लाइन सेगमेंट कराऊंगी तब तक के लिए गुड बाय बच्चों हैव ए नाइस nice डे